बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठ अंक 7 से 13 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवाना। 7वां पद्य। प्रथमं सारंगाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् अनुशय दुखायेदम् हाथ हृदय संप्रति विभूतम। अन्वय प्रथमं सारंगाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् इदम् हाथ हृदय संप्रति अनुशय दुखाय विभूतम। शब्दार्थ प्रथमं पहले तो सारंगाक्ष्या प्रियया मृगनयनी प्रिया शकुंतला के द्वारा प्रतिबोध्यमानमपि जगाया जाता व होकर भी सुप्तम सो गया था। इदम हत हृदयम यह मेरा दुष्ट हृदय संप्रति इस समय अनुशय दुखाय पश्चाताप के दुख के लिए विबुदम जाग गया है। अनुवाद पहले मृगलोचनी प्रिया के द्वारा जगाया जाता वह भी सुप्त अभागा हृदय अब पश्चाताप के दुख के लिए जाग गया है। व्याख्या राजा धीरे धीरे टहलता हुआ अपने मन ही मन सोच रहा है तथा अपने हृदय को भला बुरा कह रहा है। वह कहता है कि मेरा हृदय नीच एवं दुष्ट है क्योंकि जब पहले मृगनयनी प्रिया शकुंतला ने विविध प्रकार से पूर्वकृत परिणय आदि की याद दिला दिला कर समझाया तब तो यह प्रसन्न नहीं हुआ अर्थात उस समय इसकी आंखें न खुल सकीं, पर अब पश्चाताप का दुख उठाने के लिए यह मेरा अभागा हृदय जाग गया है। अर्थात यदि पहले ही आंखें खुल जाती तो उसको स्वीकार कर लेता तो अब इस तरह क्यों पछताना पड़ता। विशेष प्रस्तुत पद्य में राजा का अपने किए गए कार्य के प्रति पश्चाताप व्यक्त हुआ है। वह अपने हृदय को मन ही मन भला बुरा कह रहा है, जगाने पर भी नहीं जागा परंतु सो गया अर्थात कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हुआ अतः विशेषोक्ति अलंकार है। अब हृदय विबुध है पर विबोधन कारण नहीं है तब विभावना अलंकार है। सारंगाक्ष्या में लुप्तोपमा है प्रस्तुत पद्य में आर्य छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी सारंगाक्ष्या सारंग अक्षिण समासांत शच प्रत्यय गीश सारंगाक्षी सारंगस्य अक्षिणी एव अक्षिणी यस्या सा तया बहुग्री समास प्रतिबोध्यमान प्रतिबुद्ध शानच सुप्तम सुप कत प्रत्यय हत हृदयम हतम हृदयम इति कर्मधारय समास विबुद्धम विबुद्ध कत प्रत्यय। 8वां पद्य। मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना मम च मुक्तम इदम तमसा मना मन सिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषी च्युत शरश्च निवेशितः। अन्वय सखे मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना तमसा मम इदम मन मुक्तम च पहरिष्यता मन सिजेन धनुषी च्युत शर निवेशितः च। शब्दा सखे मित्र मुनि सुता मुनि पुत्री शकुंतला प्रणय स्मृति रोदिना प्रेम स्मरण को रोकने वाले तमसा मोह या ज्ञान से मम इदम मन मेरे इस मन को मुक्तम च मुक्त कर दिया है प्रहरिष्यता मुझ पर प्रहार करने के इच्छुक मन सिजेन कामदेव ने धनुषी अपने धनुष पर च्युत शरा आम्र मंजरी रूपी बाण निवेशित चढ़ा लिया है। अनुवाद हे मित्र मुनि पुत्री शकुंतला पर मेरी प्रेम स्मृति को रोकने वाले मोह ने ज्यों ही इस मेरे मन को मुक्त किया त्यों ही मुझ पर प्रहार करने वाले कामदेव ने धनुष पर आम्र मंजरी रूप बाण को चढ़ा दिया है। प्रस्तुत पद्य में राजा विदूषक से कहता है कि ज्यों ही शकुंतला की प्रणय स्मृति को भुला देने वाले मोह ने इस मेरे मन को छोड़ा त्यों ही मित्र इधर कामदेव ने मुझ पर प्रहार करने के लिए अपने धनुष पर आम्र मंजरी का बाण चढ़ा लिया। कहने का आशय यह है कि अभी प्रिया को भुला देने वाला मोह उतर भी न पाया था कि कामदेव भी आम्र मंजरी का नया बाण चढ़ाकर आ पहुंचा। एक ओर तो प्रिया वियोग रूपी विपत्ति उपस्थित हुई तथा दूसरी ओर यह वसंत काल आ पहुंचा। वियोग में वैसे ही दुखी था, वसंत आ जाने पर और भी दुखी हो गया क्योंकि यह विरह को और भी उद्दीप्त करने वाला है। वियोगियों के लिए वस्तुतः यह काल ही होता है। विशेष प्रस्तुत पद्य में भिन्न क्रम से प्रयुक्त दोनों चकार मम च मुक्तम इदम और च्युत शरश्च मोचन और निवेशन रूप दोनों क्रियाओं की एक कालता को सूचित करते हैं अतः समुच्चय अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में मन का
मोह रहित होना कारण है तथा काम का बाण चढ़ाना कार्य है। पर यहाँ कार्य और कारण का एक साथ होना दिखलाया गया है, अतः अतिशोक्ति अलंकार है। भोजराज ने इसे स्मरण अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण माना है। प्रस्तुत पद्य में द्रुत विलंबित नामक छंद है। निर्मक्षिका मक्षिका नाम अभाव इति अर्थे अविभाव समास। रोधिना रोध धातु निनी प्रत्यय निनी प्रहरिष्यता प्रहरी लिट क्षत्रिय तृतीय एक वचन प्रणय प्रणी अच मुक्तम मुच कत प्रत्यय निवेशित निविश कत प्रत्यय। नम्मा पद्य इत प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम व्यवस्थिता स्थिता तिष्ट इति उच्चै वदति गुरु शिष्ये गुरु समे पुदादष्टिम वाष्प प्रसर कलुषाम अर्पितवती मयि क्रूरे यत् तत् स विषम एव शल्यम दहति मा। अन्वय इत प्रत्यादेशात् स्वजनम अनुगंतुम व्यवस्थिता गुरु समे गुरु शिष्ये तिष्ट इति उच्चै वदति सति स्थिता वाष्प प्रसर कलुषाम दृष्टिम यत् पुनः मयि क्रूरे अर्पितवती तत् स विषम शल्यम एव माम दहति। शब्दात इत इस स्थान से प्रत्यादेशात परित्यक्त होने के कारण स्वजनम अनुगंतुम अपने कुटुंबियों के पीछे जाने के लिए व्यवस्थिता प्रस्तुत हुई। गुरु समय गुरु शिष्य पिता के तुल्य पितृ शिष्य के तिष्ठ यहीं ठहरो। इति उच्चै वदिते सति यह बात उच्च स्वर से कहने पर स्थिता रुक गई। वाष्प प्रसर कलुषाम आंसुओं के प्रवाह से मलिन दृष्टिम दृष्टि को यत जो मय क्रूरे मुझ क्रूर पर अर्पितवती डाली थी स विषम शल्यमेव विषेले शल्य के समान माम दहति मुझे जला रहा है। अनुवाद इधर से अर्थात मेरे द्वारा परित्याग के कारण वह शकुंतला अपने कुटुंबियों के पीछे चलने के लिए प्रस्तुत हुई, किंतु गुरु के समान गुरु शिष्य शारंग रव ने के रुको ऐसा डांट कर कहने पर रुक गई। उस समय उसने आंसुओं के प्रवाह से मलिन दृष्टि को फिर एक बार मुझ क्रूर पर जो डाला वह विष से बुझे हुए तीर की तरह मुझे जला रहा है। व्याख्या राजा प्रत्याख्यान कालीन शकुंतला की अवस्था को बतलाता हुआ विदुर सबसे कहता है कि मेरे द्वारा किए गए परित्याग के कारण जब वह इधर से अपने स्वजनों के पीछे जाने को तैयार हुई उसी समय पिता के समान पूज्य कनव शिष्य शारंग रव ने उसे ऊंचे स्वर में डांट कर कहा था ठहर कहाँ चल रही है। फिर उस समय उसने रुक कर जो मुझ निष्ठुर पर एक बार अपनी आंसुओं से कलुषित दृष्टि डाली थी वह विष में बुझे बाण के तुल्य मुझे आज भी जला रही है। उस समय की उसकी उस दयनीय एवं विवश स्थिति का दृश्य मुझे अब भी संतप्त कर रहा है। प्रत्यादेशात स्वजनम इत्यादि से भर्तारक्षति योमने के अनुसार राजा का उसे परित्याग करना सर्वथानुचित था। साथ ही पति परित्यक्ता होने पर स्वजनों के पास जाने के अलावा और कोई साधन उसके पास नहीं था, अतः असहाय होकर वह उनके पीछे पीछे जाने को उद्यत हुई थी यह द्योतित किया गया है। क्रूरेमयी यह कहकर दुष्यंत ने अपने प्रति व्यंग्य का अवकाश दिया है क्रूर मुझ पर अर्थात कठोर हृदय वाले उस प्रकार धोखा देने वाले तथा मिथ्या धर्म का ढोंग करने वाले मुझ पर राजा को अपने पूर्व आचरण के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो रही है। यह अर्थांतर संक्रमित वाच्य है। यत तत् माम दहति दृष्टि जला नहीं सकती, अतः मुख्यात बाद होने पर कार्य कारण भाव संबंध से संताप को लक्षित करती हुई संताप आधिक्य को व्यंजित करती है, अतः दहति पद भी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य है। स विषम एव शल्यम यहाँ पर श्रोति पूर्णोपमा है। इस उपमा से जलाए जाने की दुस्सहता प्रतीत होती है। दृष्टि मई क्रूरे अर्पितवती यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की दृष्टि विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति पर डालने के कारण समलंकार है, क्योंकि परस्पर अनुरूप पदार्थों के संसर्ग वर्णन से अलंकार हुआ करता है। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद है। वस्तुतः भाव सौंदर्य रस ध्वनि अलंकार छंद गुण एवं पद लालित्य आदि सभी दृष्टियों से यह श्लोक बहुत ही सुंदर है। व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रत्यादेश प्रति आदेश घन प्रत्यय अनुगंतुम अनुगमतुमन व्यवस्थिता वी अवसो कतरटाप वदती वत क्षत्रिय सप्मी एक वचन वत्ती दृष्टिम दृष्टिन प्रत्यय प्रसर प्र श्री अप अर्पितवती अर्पी तवदूत गिम स्थिता स्था कतरटाप प्रत्यय। दसवां पद्य राजा अपने मित्र को कह रहा है
स्वप्नोनु मायानु मति भ्रमोनु क्लिष्टम नु तावत फलमे पुण्यम असद निवृत्ते तद इद तद अतीतम एते मनोरथानाम तट प्रपातः। अन्वय तत् स्वप्नानु मायानु मति भ्रमण भ्रमानु तावत फलम एव क्लिष्टम पुण्यम नु असद निवृत्ते अतीतम एते मनोरथा नाम तट प्रपातः। शब्दार्थ तत्व शकुंतला मिलन रूप वस्तु। स्वप्नानु क्या स्वप्न था, मायानु क्या निर्जालिक माया थी, मति ब्रह्मनु अथवा कोई मृति ब्रह्म था, तावत फलम एव क्लिष्टम पुण्यमनु अथवा वह उतने ही फल वाला मेरा अत्यल्प पुण्य था, असद निवृत्ते अतीतम वह फिर कभी नहीं लौटने के लिए चला गया। मनोरथा नाम मेरे मन के मनोरथ तट प्रपाता तट प्रपात के तुल्य है। अनुवाद, हे मित्र, वह शकुंतला का मिलन क्या कोई स्वप्न था, अथवा क्या यह कोई ऐन्द्रजालिक माया थी, अथवा क्या यह मेरी बुद्धि का भ्रम था, अथवा उतना ही फल वाला नष्ट प्राय मेरा कोई पुण्य था। जो भी हो, किंतु अब वह फिर कभी न लौटने के लिए चला गया है। इसके बाद अब ये भविष्य मिलन संबंधी मेरे मनोरथ तट प्रपात के समान है, बरसाती नदी के किनारे के पतन के समान है। हे मित्र, वह शकुंतला का मिलन क्या कोई स्वप्न था, अथवा क्या वह कोई ऐन्द्रजालिक माया थी, अथवा क्या वह मेरी बुद्धि का भ्रम था, अथवा उतना ही फल वाला नष्ट प्राय मेरा कोई पुण्य था। जो भी हो, किंतु अब वह फिर कभी न लौटने के लिए चला गया है। इसके बाद अब ये भविष्य मिलन संबंधी मेरे मनोरथ तट प्रपात के समान है, बरसाती नदी के किनारे के पतन के समान है। व्याख्या, मछुआरे से उस अंगूठे के प्राप्त हो जाने के पश्चात दुर्वासा के शाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसके बाद राजा को पहले की सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। शकुंतला मिलन की घटना उसके समक्ष नृत्य करने लगती है। वह उसके मिलन के विषय में स्वभावतः तर्क वितर्क करने लगता है। कवि ने प्रस्तुत श्लोक में उसके चार विकल्पों को प्रस्तुत किया है। वह पहले विकल्प को दूसरे विकल्प से काटते जाता है। उसके चार विकल्प हैं, क्या शकुंतला का मिलन स्वप्न था, किंतु वह स्वप्न कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय मैं सोया हुआ नहीं था। यदि स्वप्न होता तब तो जागृत अवस्था में उसका अनुभव नहीं होना चाहिए था, पर अनुभव तो हो रहा है, अतः स्वप्न नहीं हो सकता। तो क्या वह कोई ऐन्द्रजालिक माया थी, मंत्र तंत्र आदि असत वस्तु को सत सा दिखा देना ही माया है, परंतु उसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, परंतु शकुंतला के विषय में तो ये माया नहीं थी, क्योंकि शकुंतला का तो वास्तविक सत स्वरूप था, उसे तो मैंने साक्षात देखा था। तो क्या वह मति भ्रम था, अर्थात मैंने अन्य किसी के स्थान में शकुंतला को समझ लिया था, वह वस्तु तो शकुंतला नहीं थी, किंतु ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रम से उत्पन्न वस्तु से व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु मैंने शकुंतला से वार्तालाप आदि व्यवहार भी किया था, उस समय सारे व्यवहार सही रूप से मुझे याद है, अतः इसे बुद्धि का भ्रम भी नहीं कहा जा सकता है। क्या यह मेरा कोई अत्यल्प पुण्य था, जिसके स्वर्ग फल के भोग के लिए थोड़े समय तक उसका सहवास मुझे प्राप्त हुआ था, अतः अत्यल्प पुण्य समाप्त हो चुका है, अतः अब यह वह चली गई है। आगे वह विदुषक से कहता है कि मित्र, उसके चले जाने के बाद जो तुम्हारे द्वारा बतलाए गए मनोरथ है कि उससे समागम अवश्य होगा, ये सब मनोरथ वस्तुतः तट प्रपात के समान है, इनसे कोई लाभ नहीं है। वर्षा काल में जैसे नदी के किनारों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वे एक एक करके टूटते जाते हैं, वैसे इन मेरे मनोरथों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। भाव यह है कि तुम्हारी ये सांत्वनाएं तथा उसके विषय में मेरी विविध आशाएं सब व्यर्थ हैं, अब वह पुनः मिलने वाली नहीं है। प्रस्तुत पद्य में स्वप्न माया मति भ्रम तथा क्लिष्ट पुण्य, इन चारों वितर्कों से शकुंतला का दिखाई देना अत्यंत असंभव प्रतीत होता है। चारों वितर्कों के करते समय नू का प्रयोग किया गया है, जो संध्या अलंकार के द्योतक है, क्योंकि राजा अनिश्चितता की स्थिति में, अतः पद्य में संध्या अलंकार है। श्लोक के प्रथम दो पंक्तियां असिद्ध निवृत्ति में कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद है, प्रसाद गुण है तथा वैदर्भी रीति है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, स्वप्ना स्वप्नन स्वप्नोनन इति सूत्रे, मति भ्रम मते भ्रम इति षष्ठी तत्पुरुष समास, क्लिष्टम क्लिष्ट कत प्रत्यय, असन्निवृत्ते समनिवृत्त भावेति, सन्निवृत्ति न सन्निवृत्ति इति असन्निवृत्ति तस्य असन्निवृत्ते अत्र तादर्थे चतुर्थी, तट प्रपाता तटस्य प्रपाता इति तट प्रपाता षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रपतन्ति एभ्य प्रपत घन प्रत्यय। ग्यारहवां पद्य, तव सुचरिता मंगोलिये नूनम प्रातनु ममे विभावेते फलेन अरुन्नक मनोहरासु तस्या तस्याश्च्युतम असि लब्धपदं यद अंगुलिषु।
अन्वय हे अंगुलिये तव सुचरितम मम सुचरितम एव नूनम प्रतनु इति फलेन विभावेते यत अरुण नख मनोहरासु तस्य अंगुलिषु लब्ध पदम अपि च्युतम असि। शब्दात अंगुली अंगूठी तव तुम्हारा सुचरितम पुण्य, मम एव मेरे ही तरह नूनम निश्चय ही प्रतनु अत्यंत अल्प है, फलेन फल के द्वारा विभावेति ज्ञात होता है। अरुण नख मनोहरासु लाल लखों से मनोहर तस्य अंगुलिषु उसकी अंगुलियों में लब्ध पदम स्थान प्राप्त करके भी च्युतम असि गिर गई हो। अनुवाद है अंगूठी तुम्हारा पुण्य भी मेरे पुण्य की तरह निश्चय ही अत्यंत क्षीण है, यह तेरे द्वारा अनुभूत फल से ज्ञात होता है जो कि तुम लाल नाखूनों से मनोहर उस शकुंतला की अंगुलियों में स्थान प्राप्त करके फिर गिर पड़ी हो। व्याख्या, राजा अंगूठी से कहता है कि तेरा भी पुण्य मेरे पुण्य के समान ही बहुत थोड़ा था, जैसा कि तुम्हारे द्वारा अनुभूत फल से ज्ञात होता है। फल के थोड़े होने से ही तू शकुंतला की सुंदर अंगुलियों में पहुंच कर भी वहां से नीचे गिर पड़ी हो। जब तक तुम्हारा पुण्य रहा तुम उसकी उंगली में बनी रही, पर जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ तो नीचे गिर गई। यदि तेरा पुण्य अधिक होता तो तू क्यों भला इस प्रकार निकल कर गिर पड़ती। विशेष, पुण्य इंद्रिय गोचर नहीं है, उसका फल प्रतनु है। यह कैसे जाना जा सकता है? शंका के समाधान के लिए फलें दिया है। फल देखकर अनुमान से जाना जा सकता है कि यह फल अल्प है, अल्प है तो पुण्य भी अल्परा होगा। मवे से यह सूचित होता है कि मेरे पुण्य के तरह तुम्हारा पुण्य भी अल्प है। अंगुलिषु या एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। समिष्कों ने इसके संदर्भ में अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। श्री सुबोधचंद पंत का मत है कि अंगुली में बहुवचन आदर के लिए है। कुछ समिष्कों का मत है कि शकुंतला अंगूठी को कौतुकवश भिन्न भिन्न उंगलियों में पहना करती थी अथवा अंगुलियों के पतले होने के कारण वह गिरने के डर से बार बार भिन्न भिन्न अंगुलियों में पहनती रहती थी। अरुण नखों का लाल होना सौंदर्य का तथा सौभाग्य का भी द्योतक होता है। मनोहर से तात्पर्य सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित नाति रिस्वा नाति दीर्घा आदि पद से निर्दिष्ट अंगुली के लक्षण से समन्वित होता है। प्रस्तुत पद्य में अल्प फल के अल्प पुण्य का अनुमान होने से अनुमान अलंकार है। अल्प पुण्य का कारण फल है अतः काव्यलिंग अलंकार है। ममेव में उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में पुष्पिताग्रह छंद है। अरुण नख मनोहरासु अरुणई नखई मनोहरा तासु अरुण नख मनोहरासु लब्ध पदम लब्धम पदम येन तत् बहुव्रीहि समासः च्युतम च्यु कतर प्रति सुचरितम सुष्टु चरितम इति सुचरितम। बारवां पद्य एक एकम अत्र दिवसे मदीयम नामाक्षरम गणे गच्छसि यावदंतम तावत् प्रिय मद अवरोध ग्रह प्रवेशम नेता जन तव समीपम उपेश्यति। अन्वय, प्रिय अत्र दिवसे एक एकम मदीयम नामाक्षरम गणे यावत अंतम गच्छसी तावत मदरोग ग्रह प्रवेशम नेता जन तव समीपम उपेश्यति इति। शब्दात प्रिय हे शकुंतले अत्र इस अंगूठी पर दिवसे प्रतिदिन मदियम मेरे नामाक्षरम नाम के अक्षर को गणे गिनना यावत जब तक अंतम गच्छसी समाप्ति तक पहुंचोगी तावत तब तक मद अवरोध ग्रह मेरे अंतपुर नेता जन प्रवेश के लिए ले जाने वाला व्यक्ति तब समीपम तुम्हारे पास में उपेश्यति पहुंच जाएगा। अनुवाद, हे प्रिय शकुंतले इस अंगूठी पर प्रत्येक दिन एक एक मेरे नाम के अक्षर को गिनना, जब तक तुम उन अक्षरों की समाप्ति तक पहुंचोगी तब तक मेरे अंतपुर में प्रवेश के लिए ले जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे समीप पहुंच जाएगा। व्याख्या, विदूषक द्वारा उत्साह पूर्वक अपने मित्र राजा दुष्यंत से यह पूछे जाने पर कि आपने किस प्रसंग से अंगूठी उसके हाथ तक पहुंचाई थी, राजा वस्तु स्थिति बतलाते हुए कहता है कि जब मैंने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया तभी प्रिया शकुंतला ने नेत्रों में अश्रु भरकर मुझसे पूछा था कि आप कब तक अपना समाचार देंगे। तब मैंने इसका उत्तर देते हुए उसके अंगुली में अंगूठी को पहनाते हुए कहा था कि इस अंगूठी पर लिखे हुए मेरे नाम के अक्षर को प्रतिदिन गिनती जाना तथा जब ही गणना समाप्त होगी अर्थात जब तुम सभी अक्षर गिन चुकोगी तभी हे प्रिय अंतपुर में पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति अर्थात तुमको यहाँ से लेकर मेरे अंतपुर में पहुंचाने के लिए कोई मेरा सेवक तुम्हारे पास आएगा, ये मैंने उत्तर दिया था। विशेष, नाम अक्षरानी दुष्यंत का नाम अंगूठी पर अंकित था। इस नाम में 5 अक्षर है तब 5 दिन के भीतर तुम्हारे समीप हस्तिनापुर से कोई ना कोई आ जाएगा, ये राजा के कहने का अभिप्राय है। प्रस्तुत पद्य में कहा तो ये जाना चाहिए था कि 3-4 दिनों के भीतर ही मेरे द्वारा भेजे हुए व्यक्ति तुमको अंतरपुर में ले जाएंगे, किंतु ऐसा न कहकर जो ये भंग्यंतर से कहा गया है कि अत्र एक एक कम नामाक्षरम गणे, इससे यहाँ पर पर्यायोक्त अलंकार है। कुछ आचार्यों की सम्मति में वहां काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंतिल का छंद है। एक एकम
न अत्र विप्सार्थे नित्य विप्सयो इति द्वित्वम अपि स्वार्थे अवधार्य माने एकस्य द्वे भवत इति वक्तव्यम इति एकस्य द्वित्वम अप एवं एकम बहुव्री वदिति सुपो लोप। देवसे नित्य विप्सयो इति विप्सार्थे द्वित्वम मद अवरोध गृह प्रवेशम मम अवरोध गृह प्रवेशम इति अवरुद्यन्ते अस्मिन् नित्य अवरोधः अवरुद्ध घन प्रवेश प्रविश घन नेता नी त्रिच पत्य। 13वां पद्य कथम नु तम बंदुर कोमलांगुलिम करम विहाय यासी निमग्नम अंबसी अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येन मये कस्मात् अवधीरिता प्रिय। अन्वय बंदुर कोमलांगुलिम तम करम विहाय कथम नु अंबसी निमग्नम असी अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्ये मया एव कस्मात् प्रिया अवधीरिता। शब्दार्थ बंदुर कोमलांगुलिम सुंदर एवं कोमल अंगुलियों वाले विहाय छोड़कर कथम नु कैसे अंबसी जल में निमग्नम असी डूब गई थी। अचेतनम नाम भले अचेतन वस्तु गुणम न लक्ष्ये गुण को न देखे अवधीरिता तिरस्कृत की गई। अनुवाद सुंदर एवं कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में डूब गई थी अथवा अचेतन वस्तु भले ही किस थी वस्तु विशेष के गुणों को न देखे किंतु मैंने ही प्रिया शकुंतला का कैसे तिरस्कार किया था। सुंदर एवं कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में डूब गई थी अथवा अचेतन वस्तु भले ही किसी वस्तु विशेष के गुणों को न देखे किंतु मैंने ही प्रिया शकुंतला का कैसे तिरस्कार किया था। व्याख्या अपनी अंगूठी को उलाना देते हुए राजा कहता है कि मुद्री के तू सुंदर एवं कोमल अंगुलियों वाले उस प्रिया शकुंतला के हाथ से छूट के जल में क्यों गिर पड़ी। यह उपालन देने के बाद स्वयं मन में विचार करता है कि अंगूठी तो निर्जीव वस्तु है इसका इसमें क्या दोष है क्योंकि अचेतन होने के कारण वह किसी के गुणों की ओर ध्यान नहीं देता। परंतु राजा मन में कहता है कि मैं स्वयं तो सचेतन हूँ किंतु मैंने उस शकुंतला के सौंदर्य आदि गुणों की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया तथा सीधी घर पर आई हुई उसका परित्याग कर दिया घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया अतः वास्तव में दोष मेरा है इस अंगूठी का नहीं। विशेष राजा द्वारा अंगूठी को यह उपालम्ब देना स्वाभाविक है क्योंकि जो व्यक्ति काम से पीड़ित होता है उसे अचेतन का ध्यान नहीं रहता। महाकवि कालिदास द्वारा मेघदूत नामक खंड काव्य में प्रयुक्त ये सुक्ति संदर्भ में उल्लेखनीय कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतन अचेतनेषु अवधीरिता तिरस्कार करना राजा या तिरस्कार करने की बात कह रहा है परित्याग करने की बात नहीं क्योंकि मान व्यक्ति एक बार परित्याग करके फिर उसी का ग्रहण नहीं करते हैं। प्रस्तुत पद्य के द्वितीय चरण में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। अवधीरणा के कारण के अभाव में भी अवधीरण कार्य की उत्पत्ति होने से विभावना अलंकार है। पूर्वाद में अचेतन अंगूठी पर चेतन व्यक्ति के व्यवहार का समारोपण कर उसके जल में डूबने का वर्णन किया गया है अतः समासोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वंशस्थ छंद है। बंदुर बंधु उरच व्याय वी ओहा त्यागे ल्यप अवधीरिता अवधीर कत टाप प्रत्यय बंदुर कोमल अंगुलिम बंदुरा कोमला अंगुलिय यत्र तम बहुव्री समास उपालप्स्यते उप आलप लिट लकार।